मिर्ज़ाई शिकार है, बिद्यती फरार है, दुश्मने फिका की तो चीख और पुकार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है ये लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सदर आली वक़ार और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमा इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन, अकीदे ख़त्म नबूवत हर मोमिन के ईमान का जुज़ व लाजिम है। अकीदे ख़त्म नबूवत हर मोमिन के कल्ब में शामिल है। अकीदे ख़त्म नबूवत हर मोमिन की अकल में कामिल है। अकीदे ख़त्म नबूवत की बका के लिए हमारी जान व माल हर वक्त हाजिर है। अकीदे ख़त्म नबूवत का दुनिया में चप्पा चप्पा शाहिद है, इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुसलमानों के लहू में दौड़ते इस पाकीज़ा अकीदे के ताल्लुक से मैं आपके सामने क्या पेश कर सकता हूँ, जबकि उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द हर आदमी हर शख्स अपनी अखली व जज्बाती तौर से इस सतह पर है कि उसको दलील बुरहान की ज़रूरत ही नहीं। जबकि इस फाका कशी के आलम में, इस गुरबत के दौर में ना जाने कितने मुसलमान कादनियत को अपना रहे हैं। मैं तमामी मुसलमानों को आगाह करना चाहता हूँ कि उन झूठे मुद्दायान रसूल जो बशक्ल कज़्ज़ाब, बशक्ल दज्जाल, बशक्ल सफ़ाक रोज़ बरोज़ मैदान में आ रहे हैं, यह सिलसिला अव्वल ही से जारी है, लेकिन हर वक्त आशिकान रसूल ने उन कज़्ज़ाबों का मुकाबला किया और उन्हें इस दुनिया से नस्तनाबूद कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबूवत का झूठा दावा करने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको अपना अव्वल मकसद समझते हुए इस सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया। और हमारी इस प्यारी धरती पर, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में भी नबूवत का झूठा दावा करने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आया, अंग्रेज़ों की पुश्त बुनाई करते हुए वो वजूद में आया। उसके पैरोकार आज भी इस दुनिया में मौजूद है, उसकी तालीम को फैलाने में मशगूल है, उसकी कज़्ज़ाबियत को फैलाने में मसरूफ़ है। और कहते हैं कि हमारे छोटे खलीफा आज भी इस दुनिया में ज़िंदा है। मैं उस काफिर का नाम भी अपनी ज़बान से लेना पसंद नहीं करता जिसको कुरान भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ उन अकल के दुश्मनों से, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ उन जालिम शर पसंदों से, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ उनकी शर अंगेजियों से, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ उन खुद पसंद बदकारों से, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ उन मगरबियत के चाहने वालों से, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ उन दौलत के पुजारियों से, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि हरगिज़ तुम दौलत की मोहब्बत में गिरफ्त होकर, पैसों की मोहब्बत में गिरफ्त होकर, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्त होकर हरगिज़ उन फ़िरका परस्तों की जद में ना आना, उन सफ़ाकों के चुंगल में ना जाना, इसलिए कि हम तो बुरहान ख़त्म नबूवत है, हम तो शाहिद ख़त्म नबूवत है, हम तो फ़ख्र ख़त्म नबूवत है, हम तो मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत है। किसी को जमहूरियत पर किसी को दीवान पर नाज है, किसी को जमहूरियत पर किसी को दीवान पर नाज है, हमें अल्लाह के कुरान और आका के फरमान पर नाज है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें मिर्ज़ा की हकीकत से रोशनास करता हूँ। मिर्ज़ा भी दूसरे मुसलमानों की तरह एक सच्चा मुसलमान था और उम्मत के तमामी इज्तिमाई अकाइद बिला किसी तरद्दुद, बिला किसी इख्तिलाफ, बिला किसी तहदीद के वो तस्लीम किया करता था। लेकिन जब उस काफिर को अपनी इज्जत और अजमत की फिक्र हुई तो उसने नबूवत के झूठे दावे करना शुरू कर दिए, सिर्फ और सिर्फ अपने नामो नमूद और मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म करने के खातिर। इसलिए मैं आज आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि अकीदे ख़त्म नबूवत को अपने दिल में बसाए
और हर वक्त उन जालिमों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। आखिर में एक शेर कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ कि तारीख अगर ढूंढेंगी सानी ए मोहम्मद, के तारीख अगर ढूंढेंगी सानी ए मोहम्मद, सानी तो बहुत दूर हैं, साया भी ना मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस वीडियो के लिए तावन किया है। इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें मुफ्ती अरबियन रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए असरदार दवा, अभी कॉल करें। अलखदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, तकमीली तेल बीना मालीगांव, जीएस हर्बल यूनानी अकोला, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।